बोला हम नहीं लेंगे। अब पता नहीं मुझे तो नहीं उसको मैं दिला दूंगा टेंशन। अगर वीडियो बंद हो गई थी माजुर के साथ, आप सब दोस्त एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो भाई साथ थे वो दोबारा ज्वाइन कर सकें। मैच में इंटरेस्ट आ गया है क्योंकि मुजम्मिल कामों की विकेट मौजूद है। 5 टॉप क्लास के बैट्समैन चले गए हैं वापस। शॉट, वन मैन शो, वन मैन आर्मी मुजम्मिल कामों की। मर्दे मुजाहिद बने हुए हैं इस वक्त मुजम्मिल कामों की। 7 छक्के लगा चुके हैं मुजम्मिल कामों की। 13 बॉलों पे 42 रन्स बाकी हैं। आखिरी बॉल उस्ताद ज़हीर कालिया, 3 छक्के आ गए हैं उस्ताद ज़हीर कालिया को मुजम्मिल कामोकी के बल्ले से। 62 रन चाहिए थे, अब 42 रन बाकी हैं। तेज बॉल, तेज बॉल, इस बार गेंद जाएगा बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 नंबर 4 मुजम्मिल, मुजम्मिल ऑन फायर, कैन यू बिलीव दैट, एब्सोल्युटली सेंसेशनल। अब 12 बॉलें, 36 रन बाकी हैं। बंद हो गई वीडियो। बारह बॉलें 36 रन बाकी हैं। दीवान भाई, दीवान साहब क्या हाल है? दीवान भाई, दीवान शाहजेब अहमद ने ज्वाइन किया है और आर जे का पेज पे मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब 12 बॉलों पे 36 रन बाकी हैं। दुआ सब इसमें यह है ना कि कराची में थोड़ी सी सर्दी हमारे लिए नस्बत बहुत कम पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त मौसम है, लेकिन कराची वालों के लिए सर्दी है। मैं अगर फिर आपको भेजूँ ना तो जो कराची वाले भाई हैं सब ने जैकेट पहनी हुई है, लेकिन हम लोग इस मौसम को इन्जॉय करते हैं बेसिकली। ये क्या है? ये हाँ, ये 36 चाहिए। ओके, 12 बॉलें 30 रन बाकी हैं।
12 बॉलें 30 रन बाकी, पहला बॉल फुल लेंथ बॉल सरदार हसनैन का, 29 रन बाकी हैं, 29 रन बाकी हैं। अबू मोहम्मद भाई, अली भाई, वो आप काइंडली किसी गरीब घर को दे दीजिएगा, शुक्रिया। आप मुजम्मिल कामों की अगर मैच विन करते हैं तो फिर 50,000 रुपए खुर्रम मजीद भाई की तरफ से। थैंक यू शाहजी, थैंक यू मोहम्मद का बहुत शुक्रिया। मुख्य टाइगर के एडमिन ब्रॉडकास्टर मौजूद हमारे साथ, मोहम्मद का बहुत बहुत शुक्रिया। 29 रन बाकी हैं, 11 बॉलें बाकी हैं। एक बार फिर सरदार हसनैन सामना करेंगे मुजम्मिल कामोकी का। अच्छा बॉल था, बाउंस हुआ, अंपायर कॉल, लीगल बॉल है, डॉट बॉल है। अब 10 बॉलें 29 रन बाकी। पिछले मैच में 25 रन आए थे सरदार हसनैन को, लेकिन इस बार 2 बॉलों पे 1 रन आया है और 29 रन बाकी हैं और 10 बॉलें बाकी हैं। 5 छक्के चाहिए मुजम्मिल कामोकी को। बंटू, मिमरान, अच्छी, जेबी, अता प्रिंस, 5 प्लेयर आउट हो गए हैं, स्टिल विकेट पर मौजूद हैं। अफजल भाई 36 नहीं था, सॉरी मैं मिस्टेक, 30 रन था 2 ओवर में और 1 रन अभी हुआ है 2 गेंदों पे। तकरीबन 4 छक्के, 4 खेले हैं, कैच कॉल है, तैमूर मिर्जा, ओ माय गॉडनेस, तैमूर मिर्जा, कैन यू बिलीव दैट, कैच ड्रॉप किया है, 4 रन आए हैं। ये कैच नहीं, ये कैच नहीं, ये फाइनल छोड़ा है, ये 5 लाख छोड़े हैं मुजम्मिल कामोकी के, कैच छोड़ा है। ओ मैन, ओ मैन, तैमूर मिर्जा ने कैच छोड़ा है, बिल्कुल 4 रन आएंगे। 25 रन बाकी हैं, 25 रन बाकी हैं और 9 बॉलें बाकी हैं। जी बिल्कुल जी, वो सीखने से इंशाल्लाह। अभी सुपर बॉल होना है और अगला ओवर दायरे का होना है, अभी सुपर बॉल होना है और अगला ओवर दायरे का भी होना है। नौ बॉल है, 25 रन, इन 9 बॉल में फैसला होना है किसको मिलेंगे, कौन लेगा 5 लाख और कौन लेगा 2 लाख। मुजम्मिल कामोकी सामने सरदार हसनैन, पहला लेग बाय रन, दूसरा डॉट बॉल, तीसरा कैच ड्रॉप एंड 4 रन। हैव यू गो वंस अगेन, सरदार हसनैन सामने मुजम्मिल कामोकी। अच्छा बॉल ऑफ स्टंप पे, अंपायर कॉल, वाइड बॉल है, रन 1 मिलेगा। 26 रन बाकी हैं, सॉरी 24 रन बाकी हैं और 9 बॉलें बाकी हैं, 4 छक्के बाकी हैं। अगला फाइनल कंफर्म उस्ताद जहीर काजर का ही ओवर है और अगला ओवर जो होगा वो दायरे का ओवर होगा। लास्ट ओवर कंफर्म उस्ताद जहीर काजर करेंगे, क्योंकि 1 ओवर करवा चुके हैं शानी खब्बा, 2 ओवर सदाम लिया, 1 ओवर उस्ताद जहीर कालिया और अगला ओवर कंफर्म छठा और आखिरी ओवर करेंगे और दूसरा ओवर करेंगे उस्ताद जहीर कालिया। चौबीस रन हसनैन, मुजम्मिल, स्लोवन, अगेन अगेन नो बॉल, अगेन नो बॉल, अगेन फ्री हिट, सरदार हसनैन, मुजम्मिल कामोकी, 23 रन बाकी। एक बार फिर मैच में वापसी लेके आए हैं मुजम्मिल, 1 मैन शो किया है मुजम्मिल, मुजम्मिल रीड की हंडी और इमरान इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेहतरीन परफॉर्म करते हुए मुजम्मिल कामोकी। कैप्टन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मुजम्मिल कामोकी ने। अभी स्टिल फिनिश नहीं हुआ मैच और तैमूर मिर्जा कैच छोड़ा है और बिल्कुल मायूस और खड़े हुए हैं मिर्जा तैमूर।
कौन बनेगा हीरो, कौन बनेगा सीरो, इस बॉल पे चार्ज करना जरूरी है, इस बॉल पे बाउंड्री लगानी जरूरी है, इस बॉल पे अगर बाउंड्री लगा दे तो प्रेशर बिल्डअप करने में कामयाब होंगे। दो तीन बॉलें बाकी हैं और बाउंड्री बड़ी जरूरी है, तीन बॉलें बाकी हैं और बाउंड्री बड़ी ही जरूरी है इस वक्त मुजम्मिल कामों के लिए। नौ बॉलों पे 24 रन बाकी हैं, सॉरी 23 रन बाकी हैं, 23 रन बाकी हैं। फ्री हिट डॉट हुए हैं इस बार मुजम्मिल कामों की। हाँ जी बिल्कुल, बड़े मेरे बड़े भाई और सीनियर एडमिन ऑफ ब्रॉडकास्टर वॉइस ऑफ गुजरात वॉइस ऑफ पाकिस्तान हसन मीरा को करेंगे वेलकम। दो और एक चीज हमसे मिस हुई है कि 36 रन जहाँ पे चाहिए थे बेसिकली वहाँ पे मुजम्मिल कामों की ने वो सुपर बॉल लिया था जब जहीर को छक्का लगा था, तो वो सुपर बॉल था, वहाँ पे 42 जब चाहिए था तो फिर रह गए थे 30 रन, वो सुपर बॉल ही था। 23 रन बाकी हैं और 8 बॉलें बाकी हैं, 8 बॉलें 23 रन बाकी। अगला ओवर कंफर्म उस्ताद जहीर कालिया का है। वालेकुम सलाम मेरा सुनो भाई, क्या हाल है, ठीक है? शॉट खेला इस वक्त मौजूद है चटोली की, रन एक बनेगा, 22 रन बाकी हैं और 22 रन बाकी हैं और 7 बॉलें बाकी हैं। अगर बाउंड्री आ भी गई इन 22 बॉलों पे, इस एक बॉल पे चौका या पे छक्का, तो उस्ताद जहीर कालिया ऐसे बॉलर हैं बिल्कुल कोई शक नहीं है कि वो ये 16 या फिर 18 रन बिल्कुल सेव कर सकते हैं किसी भी बैट्समैन के अगेंस्ट। मुजम्मिल कामों की ने कमाल बैटिंग की है आज के दिन और क्यों ना करें, बिल्कुल कैप्टन भी हैं और बड़ा मैच का बड़े प्लेयर थे कामी सरदार हसनैन। सामने AK-47 कौन कादर कश्मीरी और हर छक्के पे एक कादर कश्मीरी को खुर्रम मजीद भाई की तरफ से 5000 रुपए का ऐलान किया जाएगा। नो पॉलिसी सरदार हसनैन अदिल अब्बासी कहते हैं अगर ये बॉल निकल गई तो साथ नहीं बनने देगा। और 22 रन बाकी, 7 बॉलें बाकी, 22 रन 7 बॉलें। सरदार हसनैन सामने कादर कश्मीरी और कादर कश्मीरी अच्छी हिटिंग करते हैं, मैं आपको ये पहले बता दूं और तौबा के सरजमीन पे जब 24 रन सही थे या 22 चार छह लगा के मैच विन करवाया था। शॉट खेला है, ग्राउंड शॉट खेला है, फिर बॉल छुटा मिलेगा, रन कितने मिलेंगे इस वक्त 2 रन बनेंगे, 2 रन बनेंगे। अब 20 रन बाकी हैं, अब 20 रन बाकी हैं और 6 बॉलों पे
20 रन्स बाकी और अगला ओवर दारे का ओवर होगा, अगला ओवर कंफर्म दारे का होगा और 6 बॉलों पे 20 रन्स बाकी हैं। थैंक यू हमजा अली, मुझे का बहुत शुक्रिया, प्यार का बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या कहते हैं फिर, 6 बॉलें 20 रन, बॉलर जहीर, बैट्समैन मुजम्मिल खामुखी। ऑप्शन जरूर है, शानी का भी है, जहीर काले का भी है। मुझे भूल गया था कि शानी ने एक ओवर किया है और उस्ताद जहीर काले ने भी एक ओवर किया है, ऑप्शन दोनों हैं, जहीर काले भी हैं। और थैंक यू तौला असल जहीर भी, मुझे बहुत शुक्रिया। कौन आया है उस्ताद जहीर काली आए हैं ओवर करने के लिए और अब 6 बॉलों पे 20 रन बाकी हैं। थैंक यू हमजा भाई, उस्ताद जहीर काली को पिछले ओवर में 4 छक्के लगाए थे मुजम्मिल कामुकी ने और एक बॉल सुपर बॉल पे छक्का लगाया था तो वो 12 रन मिले थे मुजम्मिल कामुकी को। अब वंस अगेन दायरे का ओवर नहीं, दायरे का ओवर हो गया आई थिंक, जी बिल्कुल दायरे का ओवर हो गया, उस्ताद जहीर काली का दायरे का ओवर था और अब जो है तौला भाई या बलूचिस्तान के प्लेयरों का मीडिया पिछले मैच में सेमीफाइनल मैच में 14 रन चाहिए थे, पहली बॉल पर छक्का आया था, अगली 5 बॉलों पे 8 रन चाहिए थे, 7 रन दे के मैच गए सुपर ओवर में, उसके बाद उस्ताद जहीर काले को फिर सुपर ओवर में 19 रन आए थे और आखिरी बॉल पर छक्का लगा के तैमूर मिर्जा ने मैच विन करके क्वालिफाई कर गया था बिल्कुल फाइनल मैच में। कमाल मैच हुआ था यार, मुजम्मिल कामुकी सामने उस्ताद जहीर कालिया 20 रन, इट मीन्स 3 छक्के 6 बॉलों पे। थैंक यू शाहजी, बिल्कुल सही कहा, जो भी जीतेगा। और पहला बॉल बुलेट जरूर आया था लेकिन अंपायर कॉल वाइड बॉल है, रन एक मिलेगा, 19 रन एक्स्ट्रा के रन आए हैं, 19 रन बाकी हैं और गेंदे बाकी हैं 6। ये कंफर्म चौका लेकिन चिट्टा ने क्या कमाल, उन्नीस रन बाकी कालिया सामने मुजम्मिल कामुकी, शाकिला है, चिट्टा गेंद के नीचे है, एहसान चिट्टा, एहसान चिट्टा गेंद के नीचे है और ले गए हैं कैच। क्रिकेट गिरेगी,
मुजम्मिल कामोकी आउट हो गए हैं और बड़ी विकेट ले गए हैं। उस्ताद ज़हीर कालिया अब 5 बॉलें 19 रन बाकी हैं। असल भाई पांच बॉल है भाई, आपको भी बोल रहा है भाई वो वालेकुम अस्सलाम मलिक बशीर अवाम भाई, जनाब क्या हाल है, ठीक हैं? 5 बॉलों पे 3 छक्के बाकी हैं। बोल कर दिया है उस्ताद ज़हीर कालिया, बैक टू बैक विकेट्स, दादा तेरे रोले, उस्ताद तेरे रोले, ज़हीर कालिया तेरे रोले। अच्छी आउट, मुजम्मिल आउट, जेबी आउट, बट्टू भाई आउट, मिमरान आउट, अता प्रिंस आउट और विकेट नंबर 7 इज गॉन, कादर कश्मीरी इज आउट। मिर्जा भाई ब्लॉक कर दिए हैं, अब क्या कर सकते हैं यार, बस इनकी परवरिश इनके सामने आती है। चार बालों पे 19 रन बाकी हैं, 4 बालों पे 19 रन बाकी हैं। वालेकुम सलाम मियां हाजी जुहेब सरगना भाई, जनाब क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? जी एम के सी जेड के वंस अगेन चैम्पियन इन अदनान इंटर स्पोर्ट्स चैम्पियन। ग्रासी गिरा, 4 बॉलें 19 रन बाकी हैं। जी चौधरी साहब पूछे हुक्म करें। थैंक यू मिर्जा भाई, मैं का बहुत शुक्रिया, प्यार का बहुत शुक्रिया, आपके अल्फाज ही यकीन करें मेरी मेहनत का, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, कोई अपनी कैसे भी जो परवरिश है वो सामने लेके आता है, वो उन्हीं के ऊपर है, उनके ख़ानदान पे। ओह मैन ओ मैन, उस्ताद गिरे हैं और इनका हैंड चेंज कर लो यार। थैंक यू शाहजी चबात अली भाई, थैंक यू आप वो आता तो बंदे गिरते। उस्ताद होप के ठीक हो, उस्ताद ज़हीर कालिया बिल्कुल ठीक हैं और नहीं सन चिट्टा ऑन फायर।
सही कह रहा ना, सही है गल। मैं तो क्या करें, सब पलट गया भाई, क्रिकेट पता नहीं चलता, 5 हो गया क्या करेंगे। वकार वेलकम जनाब, आपका बहुत शुक्रिया उस्ताद जहीद पर एक बार फिर से। अगर दोनों इकट्ठे हुए तो जरूर सलाम दे दो मैं इंशाल्लाह। हैट्रिक कर गए हैं उस्ताद जहीर कारिया, हैट्रिक कर गए हैं इस टूर्नामेंट की, हैट्रिक कर गए हैं उस्ताद जहीर कारिया। अब 3 गेंदों पे 19 रन बाकी हैं। अलमितश अहमद भाई ऐसे ही 50 सदक चिट्टा है इधर। ओके जनाब, कंग्रेचुलेशन तैमूर मिर्जा एंड खुर्रम चकवाल, जहीर कालिया, अदनान इंडिया स्पोर्ट्स, बहुत बहुत मुबारकबाद जीत की पूरी टीम को। और तकरीबन 30 छक्के लगाए हैं मिर्जा तैमूर ने। आपको दिखाएंगे सर में इसी वीडियो के साथ और बिल्कुल और अदनान भाई के लिए दुआ करें कि जल्दी सेहत याब हो और ये लगाना है इसमें लाइव में। लाइव ऐसे चला है ना, ऐसे कैसे हाथ से नहीं चले, फिर ये स्टैंड आप आइएगा ठीक है। आगा भाई सबसे पहले मैं गांव के लिए लगा हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है। पहले सब करता हूं।
बस हो गया ना आपका गौर भाई देखिए जनाब किसको मिलेगा मैन ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट प्लेयर बैट्समैन ऑफ टूर्नामेंट और बेस्ट बॉलर ऑफ टूर्नामेंट किस किसको मिलेगा कोई भी कमेंट्स कर दे कि अदनान इम्तियाज चैंपियन कोई भी कमेंट्स कर दे ताकि जो है वो टारगेट पिन किया जा सके भाई मैनेजर वाले जो भी लड़के यहाँ पे सर्कल में आ जाए प्लीज बराए मेहरबानी सईदुल्ला भाई तमाम लड़कों को यहाँ पर बुलाने जब मैं टीम को नीचे चलने का कहूंगा तो फिर वो नीचे चले जाए भाई तमाम ब्रॉडकास्टर्स आ जाए बराए मेहरबानी इमरान बाबा यार रास्ता दे देना भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे कर नीचे ये चैनल नहीं आएगा ऊपर लाइन ऊपर से आगे आप ये भाई ऊपर से अंदर के ऊपर कर दो ना यार ये बी ऑन बोर्ड है कौन गिरा बच गया इसने मारा अनार वहीं जलाओ ना ट्रॉफी के पास नहीं नहीं भाई अली भाई जहां पर आए मेहरबानी वहां पर आए कि मैं आपसे इस वक्त सेवलैंड ओनर सीईओ सारे मेहमान यहाँ पर बैठ जाएं स्टेज पर बराए मेहरबानी तमाम मेहमान स्टेज पर बैठ जाएं रेंजर्स अधिकार अभी तक हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं आप हमारी आर्म फोर्सेस का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं आलमगीर भाई से गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी यहाँ पर आ जाए वक्त बड़ा करीब है और आलमगीर भाई मैं आपको माइक देने लगा हूँ बहुत बड़ा करीब है हमारे तमाम अहबाब यहाँ पे खड़े सबसे पहले क्राउड आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने भी एक दफा तालियां बजाने कराए मेहमान सारा क्राउड अपने तालियां बजा के आप लोग आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर भाई प्लीज और सबसे पहले दूसरे नंबर पे मैं अपनी एस पी एल की उस टीम मैनेजमेंट को दाद देना चाहूंगा जिसमें है मिल्की साकिब इकबाल सुभान इमरान बाबा इमरान बाड़ा शाजीर अहमद भाई सईदुल्ला भाई स्पेशली सईदुल्ला भाई जो वन मैन आर्मी की तरह यहाँ खड़े रहे और उनकी वजह से पूरे पाकिस्तान में जो एक मैनेजमेंट का एक जो हम देखते हैं कि हर टूर्नामेंट में प्रॉब्लम दिखी है हमें वो सईदुल्ला की वजह से जो हमारे टूर्नामेंट में जो कामयाब रहा वो बहुत अच्छा रहा सही भाई के लिए बहुत कामयाब रहा और वन एंड ओनली पाकिस्तान के जो आइडल प्लेयर हैं हमारे कामरान हैदर भाई उनके लिए क्लैपिंग हो जाए जिनकी पूरी सपोर्ट मेरे साथ थी मेरी मैनेजमेंट के साथ थी उनके बगैर कराची में इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं हो सकता था अल्हम्दुलिल्लाह कामी भाई का बहुत सपोर्ट थी हमारे साथ हो गया कामी भाई के लिए प्लीज यार क्लैपिंग
और इस टूर्नामेंट को कामयाब करने में माशाल्लाह से मेरी जिस तरह मैनेजमेंट का हाथ है उसी तरह मेरी पूरी पाकिस्तान की जो टॉप साइड थी, जो पंजाब से भी आई है, जो कराची से, केपीए से आई है, सिंध से आई है, यार उनके लिए, हमारे मेहमानों के लिए खासतौर पर बड़ी क्लैपिंग हो जाए। और उसके बाद जो हमारे आरजे हैं भाई, उनके लिए तो भाई बहुत तारीफ, भाई इनके लिए तालियां बजती हैं यार, बड़ी मेहनत की है, उन्होंने इतनी मेहनत की है यार, मेरे ख्याल से पूरे 12 के 12 10 10 घंटे खड़े होके उन्होंने पूरी कवरेज की है इस टूर्नामेंट के लिए, यार उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। फोटोग्राफर हमारे जो कमेंटेटर्स हैं माशाल्लाह से, उन्होंने एक एक मिनट भी खामोश नहीं रहे, जिनमें रामलाल है, इनके लिए भी यार क्लैपिंग होनी चाहिए। और हमारे जो टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं, ठीक है, आप देख रहे होंगे जो जितनी भी हमारी ब्रांडिंग हुई है वो हमारे सैमसंग से टेक्नोलॉजी पार्टनर है, जोटो के नाम से है, और वो भी पंजाब से बिलोंग करते हैं, लाहौर से बिलोंग करते हैं, और लाहौर ट्रॉफी ले गए हैं भाई, तो उनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। और सेकेंडली फाइनली वन एंड ओनली जिसने टूर्नामेंट को जगा के रखा, रातों में जगा के रखा, दिन भर जिस लड़के ने इस टूर्नामेंट को उठा के रखा, आज से 3 महीने से जब से हमने इस टूर्नामेंट की बुनियाद रखी थी, ये 3 महीने में 90 दिन होते, 90 रातें उस लड़के ने लगाई है, दानियाल के लिए क्लैपिंग हो जाए, बहुत क्लैपिंग हो जाएगा दानियाल के लिए। और दानियाल के लिए एक सैमलैंड्स मैनेजमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट है जो मैं करने के लिए जा रहा हूँ कि सैमलैंड्स के पेरोल पे दानियाल नेक्स्ट मंथ से हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह मेरी जिस तरह आप लोगों ने देखा कि सैमलैंड्स मैनेजमेंट ने जिस तरह कामयाबी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ साथ जो मेरी सैमलैंड सीसी हार्डबॉल की टीम है उसके कप्तान जनाब मोहम्मद इकबाल को भी नेक्स्ट मंथ से हम अपनी एक सैलरी उसमें पेरोल में लेकर आना चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की काविशों से, आप लोगों की मेहनत से इतना जबरदस्त टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, आप लोगों के लिए बहुत शुक्रिया यार, बहुत इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारी विद इन अ वीक हमारी इंशाल्लाह ताला या आफ्टर 2 वीक हमारी एसपीएल 2 की जो हमारी जो मैनेजमेंट है वो एसपीएल 2 बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, जिसमें अभी मेरी पाकिस्तान के जो बड़े बहुत बड़े क्रिकेटर हैं तैमूर मिर्जा, तैमूर से भी अभी मेरी बात हुई है, और विकी से भी मेरी बात हुई है, साकिब से भी मेरी बात हुई है, इकबाल और कामी भाई से भी मेरी बात हुई है, इंशाल्लाह ताला विद इन अ मंथ इंशाल्लाह ताला हम अनाउंस करेंगे एसपीएल 2, और जिसके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मीटिंग अरेंज होने वाली है, तो उसकी कामयाबी के लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा, ठीक है। और हमारे एक लीजेंडरी बॉलर है इस वक्त कराची के, क्रिकेट तो छोड़ चुके हैं, इमरान बाबा के नाम से मशहूर है यार, उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि उन्होंने बहुत तरीके से हमारा साथ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे बस यही कहना था, बस आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जितने भी तमाशाई हमारे पास आए हैं यहाँ ग्राउंड में आए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जजा करना, और साथ साथ अब मैं पहले अवार्ड की तरफ जाने लगा हूँ, और कामरान हैदर को दावत होगा, हारिस भाई बराए मेहरबानी पहले मैन ऑफ द मैच जो सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच है, जेबी भट्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाए गब्बर, कराची के मेहमान बने हैं इस वक्त, जेबी भट्ट हमारे साथ है तो यहाँ पर आ जाए प्लीज बराए मेहरबानी, कामरान हैदर जेबी भट्ट यहाँ पर है तो बराए मेहरबानी आ जाए, 5,000 रुपए कैश प्राइस और मैन ऑफ द मैच यार कप्पर के लिए तालियां तो बजाओ यार, हमारा मेहमान है जनाब, क्या बात है, बेहतरीन सुपर से भी ऊपर, अहमद भाई से गुजारिश करूंगा, सेकंड सेमीफाइनल किंग ऑफ एशिया समझ गए होंगे, आने वाले खुरम चकवाल, द वन एंड ओनली खुरम चकवाल, जिनके छक्कों की गूंज बहुत दूर तक पहुंचती है, अहमद भाई मार्केटिंग डायरेक्टर है सैमलैंड के, अपने हाथों से कैश प्राइज और अवार्ड देंगे,
फाइनल में मैन ऑफ द मैच हार तो गए हैं, मगर इसे कहते हैं वो वाला शेर जो हफ्ते भी जीत जाता है, जो थाड़ता बड़ी जोर से है, मुजम्मिल कामों की, वन एंड ओनली मुजम्मिल कामों की। खुर्रम मजीद भाई से गुजारिश करूंगा, खुर्रम मजीद भाई से गुजारिश करूंगा कि आए और ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्लीज पर आए। मेहरबान, तालियां बजा दे मुजम्मिल भाई के लिए, स्कूल मैन ऑफ टेप और क्रिकेट यार। और अली भाई का मैसेज मेरे पास आया था अभी थोड़ी देर पहले, मुजम्मिल कामों के लिए मैंने 50,000 का ऐलान किया था जितवाने को, तो बैड लक हो गया मुजम्मिल के लिए, लेकिन मैं उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस पे 25,000 रुपये उसको कैश रहा। और अब एक ऐसा ऐलान है जो पूरी मैनेजमेंट, पूरी इंतजामिया, जो ब्लैक फोर्स बनी हुई थी, आलमगीर भाई प्राइम मेहमानी जरा करीब आ जाए और अपने हाथों से वो 3,00,000 रुपए का कैश, 3,00,000 रुपए का कैश इनाम साकिब को देंगे, साकिब उर्फ भालू। पूरी मैनेजमेंट के लिए, इसमें तमाम लोग जो शामिल थे उनके लिए है ये ऐलान। इमरान इलेक्ट्रॉनिक का एक ऐलान है, दाऊद करना चाहते हैं जी दाऊद। इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से जो बेस्ट बॉलर का अवार्ड है, मैं शेख हबीब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो आ जाएं। और बेस्ट बॉलर है वो जनाब जहीर कालिया के नाम जाता है, सोचा तालिया लीजिए जनाब जहीर कालिया। बेस्ट बॉलर का जो अवार्ड है वो इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से ऐलान किया गया है और वो उस्ताद जहीर कालिया को दिया जाएगा। जनाब शेख हबीब साहब इज्जत दे रहे हैं। उसके बाद बैट्समैन ऑफ द सुपर ओवर में जो उस्ताद जहीर कालिया ने बॉलिंग करी थी, 10,000 रुपए जनाब खुर्रम मजीद साहब की तरफ से है। क्या बात है खुर्रम भाई आपकी, सोच डाले एक दफा खुर्रम मजीद साहब के लिए जरा 10,000 रुपए उस्ताद जहीर कालिया के लिए जरा शानदार परफॉर्मेंस भी। सो अब मैं बैट्समैन के लिए दावत दूंगा जनाब, स्टोनमैन मुजम्मिल कामों की से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आने का जनाब। और इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स के आने जनाब आतिफ साहब के दस मालिक से, और साथ में एक बैट है जिसपे वहां पर यूनुस खान के सिग्नेचर भी है, वो बैट दिया जाएगा जनाब, बैट भी आप पेश करिएगा जनाब। बहुत शुक्रिया इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स के आने। और अब मैं अपने सीनियर पर्सन, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान का दिल जीतने वाले अगला माइक उनको देने लगा हूँ, आरिफ सियाज। जी बहुत शुक्रिया दानियाल। और अब जो इनाम है वो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए, और मैं आलमगीर खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लें। और इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा कमोबेश 33 से 34 छक्के किसके हो सकते हैं आप जोरदार तालियों के साथ? तैमूर मिर्ज़ा। तो आपकी भरपूर तालियों में तैमूर मिर्ज़ा, द पैन ऑफ पाकिस्तान, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, टॉप सिक्सर ऑफ द टूर्नामेंट, पैन ऑफ पाकिस्तान तैमूर मिर्ज़ा। तैमूर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले, एक तो आप बात के आप मैन ऑफ द मैच प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है और दूसरा टूर्नामेंट भी आपने विन किया है। तैमूर भाई माशाल्लाह बहुत फैन फॉलोइंग है, बड़े लोग आपसे प्यार करते हैं और आज आपने सुपर ओवर में आखिरी बार में छक्का लगाया, कमाल कर दिया और थ्रू ओवर टूर्नामेंट आपने बहुत जबरदस्त खेला है, सो वंडरफुल, आप हमेशा खेलते हैं। लेकिन मैं ये पूछूंगा कि जो यंगस्टार हैं, जो बैट्समैन है, मैं एक मैसेज जो है वो ये करवाना चाहता हूँ कि प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है और बैटिंग के कुछ टिप्स आप जुड़े सकते हैं। बड़ा अच्छा खेला, इन्हें बड़ा बड़ी सो मेरी तरफ से मजीद इज्जत दें। बाकी यंगस्टर जो खेल रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि यार जो बंदा मेहनत कर रहा है, भाई मैं पहले बताता हूँ, अल्लाह पाक उसको इज्जत देते हैं। पहले आप अपने सीरियस की रिस्पेक्ट करो, उसके बाद अपने क्रिकेट के साथ जो होगा जिस लेवल पे सिंसियर होगा उस लेवल पे खेलना पड़ेगा। बाकी अगर आप दूसरों से हफ्ते मेहनत करते हो, ज्यादा मेहनत करते हो, तो फिर आपका डिफरेंस ये नजर आता है। सो जितने भी यंगस्टर हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप मेहनत करो, इंशाल्लाह हमसे भी आगे जाओगे इंशाल्लाह। आपकी सवाल है बिलाल मजीद मेमोरियल PSL आप खेले, उसकी आपकी लोबी है, ठीक है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट, बुनियाद रखी इस नौजवान ने, इसको सलाम है।
बहुत अच्छे टूर्नामेंट। उसके बाद सेमिनल टूर्नामेंट आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं, बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ आपने कराची में शायद पहले नहीं देखी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हरम मस्जिद में इनके साथ जुड़ गए तो आगे भी सर्विस जबरदस्त होगी। तो क्या कहते हैं सेमिनल जो आज टूर्नामेंट हुआ इसके बारे में आपके जो व्यूज है वो क्या? अरे भाई टूर्नामेंट तो फाइनल हो जाए मेरे ख्याल में तो बेस्ट होता है, तो माशाल्लाह मैं पूरी मैनेजमेंट कमेटी को से बहुत बहुत मुबारकबाद है कि यार इतना आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट रहा है। मैंने गुरम भाई से भी आते हुए बात की है कि यार माशाल्लाह गुड सिविल टूर्नामेंट हो रहा है, बड़े अच्छे ग्राउंड में हो रहा है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है। कोई नंबर लेके नंबर वन पहुँचा, थैंक यू सो मच। आज खुर्रम भाई ना सिर्फ कराची बल्कि मैं समझता हूँ पंजाब पाकिस्तान के पीक बन गए, अनाउंसमेंट के बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान फतेह पाकिस्तान तैमूर भाई के लिए 50,000 का कैश इनाम है खुर्रम मजीद भाई की जानिब से, जोरदार ताली होनी चाहिए। 50,000 का कैश प्राइज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान तैमूर भाई के लिए और चेयरमैन टूर्नामेंट BSL खुर्रम मजीद भाई। और मेरा ख्याल है आज तो बिल्कुल नहीं थक रहे खुर्रम भाई, माशाल्लाह पक्का आप नजर दे बाकी एंड है ये मस्जिद। थैंक यू सो मच तैमूर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सेकंड अली आलमगीर साहब जो है उनसे गुजारिश है तैमूर भाई के लिए, ये फरहाद इकबाल साहब जो कि MPL के चेयरमैन हैं फरहाद इकबाल भाई लाहौर के, उनकी आमद होनी थी, उसकी जो इजाजी शील्ड है आलमगीर खान साहब की जानिब से SPL मैनेजमेंट की जानिब से ये फरहाद भाई की तरफ से जो है तैमूर भाई ने रिसीव की है। और आई थिंक बाकी नाम आज क्लोज हो गए, रन अप टीम का नाम रहता है जी, कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगा यार माशाल्लाह हमारी इम्तियाज को जीती है अदनान भाई के लिए, उसी दुआ करते हैं सब भाई अल्लाह पाक इंशाल्लाह जल्द उनको ये ग्राउंड की जिल्लत बनाए, इंशाल्लाह हमारे अंदर वो आगे खेले इंशाल्लाह, सब दुआ करते हैं। बिल्कुल जी हमेशा के लिए दुआ गो हैं अदनान भाई की सियाजाबी के लिए। और मोहन भाई आपने बड़ा जबरदस्त रिश्ता चलाया हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आई थिंक जो है मैं यहाँ जवेद भाई को बुलाना चाहूंगा और जिन्होंने ये हमें माहौल प्रोवाइड किया है, जो तारीखी लम्हात पूरी दुनिया ने देखे एक इंटरनेशनल माहौल है सैम लैंड की जानिब से ये अगर हुआ है तो जवेद भाई ओके SPL मैनेजमेंट इमरान माना उनके लिए शील्ड है आलमगीर खान साहब चेयरमैन टूर्नामेंट है वो आकर रिसीव करें। इमरान भाई प्लीज वेल डन ग्रेट जॉब फॉर SPL ग्रेट जॉब। और SPL ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से सुभान भाई फॉर ग्रेट जॉब SPL उसके लिए भी आलमगीर खान साहब जिससे जो है इजाजी ये शील्ड जो है वो रिसीव करेंगे सुभान भाई ग्रेट जॉब जबरदस्त वेल डन। शाहजेब भाई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी SPL मैनेजमेंट शाहजेब भाई वेल डन शाहजेब भाई यार बहुत आला SPL मैनेजमेंट के इनाम का इजाजात का सिलसिला जो है वो जारी है। दानियाल महमूद मीडिया कोऑर्डिनेटर जंप लगा मीडिया कोऑर्डिनेटर दानियाल महमूद शानदार वर्क पर ये चेयरमैन साहब की जानिब से आपके साथ जाएगी ये इजाजी शील। मिर्जा साकिब SPL मैनेजमेंट मिर्जा साकिब स्टार फॉर्मर क्रिकेटर और जबरदस्त बेहतरीन वर्क सैल्यूट है आपको साकिब भाई। मोहम्मद इकबाल इकबाल भाई के लिए भी ताली जरूर बजिएगा जोरदार आपसे गुजारिश है बहुत यार इकबाल भाई बड़ा मजा है आपके साथ काम करके बड़े जबरदस्त नेटवर्क आप चलाते हैं। और इमरान अयूब अब इमरान अयूब की बारी है वो आएंगे और अपनी शील्ड रिसीव करेंगे जनाब आलमगीर खान साहब से। और अब आएंगे जनाब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर प्राउड ऑफ कराची हारिस अली खान बहुत आला हफीज भाई आपने ये सारा मीडिया को भी इन्होंने कवर किया है वेल डन
और आप जो है मैं जरूर जितने भाई खड़े हैं सबसे गुजारिश करूंगा स्टार फार्मर किटर है आपकी भरपूर तालियों में एसपीएल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजर अवकाश विकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है आपकी कमांड की, दिल जीत लिया आपने और बड़ा जबरदस्त। और जी आप एसपीएल मैनेजमेंट की जान से आएंगे इम्तियाज अहमद, इम्तियाज अहमद अपनी शील्ड रिसीव करेंगे चेयरमैन एसपीएलसी। चले जी आप कामरान हैदर साहब से मेरी गुजारिश है रनअप टीम के लिए जो है वो ट्रॉफी देंगे और कामरान हैदर साहब इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, खसूसी ताली होनी चाहिए। कामरान हैदर भाई वेल डन, ग्रेट जॉब, आप बड़े जबरदस्त और बड़े स्ट्रॉन्ग भी हैं और कभी कभी गुस्सा भी आपका बड़ा जोशीला होता है, देखने वाला होता है और माशाल्लाह आपने बड़ा जबरदस्त काम किया है। और अब जो रनअप टीम है इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स के कैप्टन और टीम ओनर ऐसा आसिफ भैया, रनअप टीम एसपीएल 2021 इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर है आते भाई और टीम कैप्टन मुजम्मिल कामोकी कैश और ये खूबसूरत ट्रॉफी भाई। और अभी आप कॉल करते हैं विकी भाई, ये रनअप की हो गई है विकी भाई, मजीद फैनल से पहले कुछ है तो मुझे बताएं जी। विनर के लिए सीईओ एसपीएल जनाब आलमगीर खान साहब, इकबाल भाई और उनके साथ वकास भाई और साकिब भाई इकबाल भाई, विकी भाई और अहमद भाई आप भी साथ आ जाए, ये गुजारिश है कि आप भी आए क्योंकि आलमगीर खान साहब ने कहा है कि आ जाए। जी शेख हबीब साहब से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी शील्ड रिसीव करेंगे प्लीज, शेख हबीब साहब सर प्लीज आए, शेख हबीब साहब ये शील्ड जो है आपके साथ जाएगी यादगार एसपीएल की। शेख हबीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लो जी अब जो है फाइनली इनाम हम देने लगे हैं, चले जी विनिंग कैप्टन के लिए इम्तियाज सपोर्ट से मैं दावा देने लगा हूँ उसाद जहीर और नूर अब्बास को भरपूर तालियां, भरपूर तालियां उसाद जहीर और नूर अब्बास विनर एसपीएल 2021। हेलो छोटे इधर हो यार, ये जब सारी टीम आएगी फिर चलाना और दानियाल और सारी टीम आएगी छोटे आप इम्तियाज लेवल की टीम किटू में जो है वो आज है प्लेइंग लेवल चलाओ Hey!
यार क्लैपिंग करते हैं अदनान इम्तियाज भाई के लिए भी क्लैपिंग करते हैं जोरदार क्लैपिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया, पूरे कराची का बहुत शुक्रिया, नारा लगा दीजिएगा पाकिस्तान।